गाजियाबाद में बुजुर्ग अब्दुल समर के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने को लेकर भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में मोहम्मद जुबैर और सबा नकवी नोटिस का जवाब देने लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे। सबा नकवी और जुबैर ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा। इस दौरान मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया गया। एसपी देहात डॉक्टर ईरज रजा ने दोनों से पूछताछ की। करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। इसके बाद सबा नकवी लोनी बॉर्डर थाने से निकल गई। सबा नकवी ने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। मीडिया के लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सवालों से बचकर अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। इसके बाद पुलिस के अधिकारी ने जुबैर से पूछताछ की। जुबैर भी मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए। पूरे प्रकरण जो लोनी बॉर्डर थाने में हुआ था, उसमें आज जुबैर और मिस सबा नकवी आए थे। इन लोग को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, नोटिस इनको दिया गया था। उसके बाद इन्होंने पूछताछ में जो भी हमें चीज़ें पूछनी थी वो इनसे हमने पूछी हैं, और बाकी इसमें अगर आगे जो भी है हम स्टेटमेंट्स को सबको रिव्यू करेंगे जो इनके द्वारा दिए गए हैं, और उस स्टेटमेंट के आधार पर जो भी आगे की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी जैसा आपको बताया, अभी हम सारे जवाब जो भी दिए गए हैं, जो हमने क्वेश्चन पूछे थे, उन सबको हम रिव्यू करेंगे और उसके अनुसार ही फिर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें प्रोसेस में हैं, बहुत ही जल्दी इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। अभी ज़रूरत लगेगी तो दोनों ही लोगों ने बताया कि, और उनको बता भी दिया गया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में फर्दर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से आप लोग को हमारे साथ शामिल होना पड़ेगा। तो दोनों ही लोग ने अश्योर किया है कि वो शामिल होंगे, और अगर ज़रूरत आवश्यकता लगेगी तो इसमें आगे की जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में समय समय पर सबको अवगत कराया जाएगा। उसके लिए से आपको जानकारी है, हम लोग उसके लिए प्रोसेस में हैं और बहुत ही जल्द उसका भी कोई ना कोई हम लोग तरीका जी बिल्कुल हम सभी चीज़ें देख रहे हैं। हम लीगल अपनी ओपिनियन ले रहे हैं हमारे सभी एक्सपर्ट से, और उसके अनुसार हम नहीं बिल्कुल इसमें ज़रूरत लगेगी तो हम वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।